देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। सहारनपुर के देवबंद में यूनानी मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे पर जाम लगाया। छात्रों की मांग है कि देवबंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफाई अभियान को चलाया जा रहा है, लेकिन कॉलेज जाने वाले रोड पर नगर पालिका द्वारा शहर की गंदगी को डाला जा रहा है, जिससे छात्र छात्राओं को कॉलेज जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर आज छात्रों ने रोड जाम कर नगर पालिका अध्यक्ष मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने स्टूडेंट को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। जाम की वजह यह है कि आप सब लोग जैसा कि जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आज स्वच्छ इंडिया की बात करते हैं, पूरे देश में स्वच्छता अभियान की बात होती है, लेकिन देवबंद क्षेत्र का एक कॉलेज जहां पर देश के अलग अलग शहरों के बच्चे पढ़ने आते हैं जो यूनानी मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं, और इस रोड पर इतनी गंदगी है, इस रोड पर इतना कूड़े का ढेर लगा हुआ है कि यहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। लोग बच्चे अपने नाक पर हाथ धर कर निकलते हैं और ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे रहा है। अगर ये कूड़े का ढेर यहाँ से हटाया नहीं गया तो हम किस स्वच्छता की बात करते हैं, हम किस स्वच्छ समाज की बात करते हैं। ये हॉस्पिटल यहाँ पर है, यहाँ पर लोग अपना इलाज कराने आते हैं तो बीमारी लेकर जा रहे हैं यहाँ से। तो मेरा नगर पालिका से और यहाँ के लोकल बॉडीज से, यहाँ के चेयरमैन से, यहाँ के विधायक से, यहाँ के आसपास के जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि इस कूड़े के ढेर को जल्दी से जल्दी यहाँ से हटवाया जाए, जिससे यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं वो आसानी से अपने कॉलेज जा सके। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट। देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।